नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात पर दिया है बयान। अभय सिंह चौटाला बोले, हरियाणा के मुख्यमंत्री डमी मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के हितों की बजाय केंद्र के निर्देशों के अनुसार उठाते हैं मुद्दे। प्रधानमंत्री से मुलाकात में नहीं उठाया SYL का मुद्दा। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 7 अक्टूबर को गोहाना में सम्मान दिवस पर लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी। जी हां, आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एक डमी मुख्यमंत्री है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के हितों के बजाय मुख्यमंत्री ने केवल केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मुद्दे उठाए हैं। वे आज अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा के लिए SYL का मुद्दा अहम मुद्दा है और प्रदेश के किसानों का जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष SYL का मुद्दा नहीं उठाना एक प्रदेश के हितों से खिलवाड़ करना है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा के प्रदेश में और हरियाणा प्रदेश को SYL का पानी मिले। यही कारण है कि जो निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जिन मुद्दों को उठाने के लिए मुख्यमंत्री को दिया जाता है, मुख्यमंत्री केवल उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 7 अक्टूबर को गोहाना में ताऊ देवीलाल जयंती के अवसर पर सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि सम्मान दिवस पर इस अवसर पर लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। हमारा रैली का दिन तो निर्धारित था 25 सितंबर, केशव साहब का जन्मदिन 25 सितंबर को है, लेकिन बारिश की वजह से, ज़्यादा पानी आने की वजह से जहाँ किसानों की लाखों एकड़ फसल खराब है, वहीं हमें भी रैली पोस्टपोन करनी पड़ी सर 4 साल तक। और अब हमने दोबारा अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है, हम 7 अक्टूबर को दोबारा फिर उसी स्थान पर गोहाना में रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, सम्मान दिवस मनाने जा रहे हैं। सम्मान दिवस में लाखों लोग आएंगे और 25 सितंबर से भी अब और ज़्यादा लोग इस 7 तारीख को वहाँ पे पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ऑफिस से हिदायत है कि आप प्रधानमंत्री से चाहे आकर के कितनी दफ़ा मिलो, लेकिन आप SYL का जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि केंद्र की सरकार चाहती नहीं कि SYL का पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले, और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो डमी है। इसलिए जो आदेश वहाँ से होता है उसी आदेश के मुताबिक जाकर के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। अगर मुख्यमंत्री प्रदेश का हितैषी होता, अगर प्रदेश का उसकी थोड़ी बहुत भी उसको चिंता होती, तो 100% प्रधानमंत्री पे इस बात का दबाव बनाता कि भी SYL हमारी जीवन रेखा है, पहले इसको बनाया जाए। हमारे लिए सबसे जरूरी जो सबसे जो अहम चीज़ है वो SYL ही है।